ये मामला एक कास्टिंग डायरेक्टर हैं दर्शन ओलग जी, जो चंडीगढ़ में रहते हैं, उनकी कंप्लेंट हमें एक मिली थी, जिसमें उन्होंने बताया कि कोई उनके नाम का मिसयूज़ करके एक व्हाट्सएप अकाउंट चला रहा है, जिसमें वो डिफरेंट मॉडल्स को अल्योर करता है उनके न्यूड और सेमी न्यूड फोटोज़ भेजने के लिए, कुछ बोल्ड सीन्स के साथ। वो चाहता है कि कुछ बोल्ड सीन्स में उनको रोल दिलाया जाए। इसमें हमें दर्शन ओलग जी की कंप्लेंट मिली और हमने इसमें आगे कार्रवाई करते हुए उनके नंबर को ट्रेस कराया, जिसमें हमें पता चला कि ये नंबर श्री हरप्रीत बावा जी के नाम पे रजिस्टर्ड है और मिस्टर हरप्रीत बावा ही इस नंबर का मिसयूज़ करके ये इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। इसके बाद हरप्रीत बावा जी को बरनाला से हमने ट्रेस किया, उसके बाद फर्दर इन्वेस्टिगेशन में इनको 27 जून को हमने सेक्टर 17 से अरेस्ट किया। उसके बाद इनके 2 दिन की पीसी लेने के बाद हमने इनके घर पर एक बार फिर से जांच कराई, जिसमें हमें 2 मोबाइल्स और मिले। उन मोबाइल्स के फर्दर डिटेल्स देखने के बाद हमें पता चला कि उनके फ़ोन में लगभग 3,000 के करीबन ऐसे आपत्तिजनक फोटोग्राफ्स हैं, जिनका वो मिसयूज़ करके अलग अलग मॉडल्स को ब्लैकमेल भी कर रहा था और एक्सटोर्शन के लिए भी उनको कॉल कर रहा था। इस मामले में हमारे पास पर्याप्त सबूत हैं और अभी हम उनको कल फिर से कोर्ट में पेश करने वाले हैं, उसके बाद देखते हैं इसमें क्या होता है। व्हाट्सएप पे मेरा अकाउंट बनाया हुआ था इसने, उस पर मेरी और सलमान खान की फोटो जो लगा रखी थी, मेरी भी फिल्म आ रही है सुल्तान, तो रिलीज है 6 को, उसकी उसने उसके वो फोटो उठा के मेरी लगा रखी थी और नीचे लिखा हुआ था वेलकम टू दर्शन ओलग प्रोडक्शन, और उसी पे लड़कियों से चैट कर रहा था। जिस लड़की ने मुझे बॉम्बे से कॉल की, दिल्ली बेस्ड है लड़की, तो उसको इसने चैट शुरू की, तो उसने बोला कि अगर तो रियल में दर्शन ओलग है तो मेरे साथ फेस टाइम पे बात कर, तो इसने बोला मेरा फेस टाइम नहीं चल रहा है। तो उसके बाद उसको शक हो गया, तो उसने उससे बोल रहा था कि मुझे बोल्ड पिक्चर भेजो आपकी, तो फिर उसने मुझे कहीं से किसी एक्टर से पूछा, मेरा नंबर मांगा, उसको मिला नहीं, तो इसने फिर उसके बाद क्या किया कि मेरे फेसबुक पे जाके मुझे मैसेज किया कि ये नंबर आपका है, तो मैंने बोला नहीं मेरा नंबर नहीं, तो इसने उसकी स्नैपशॉट भेजा मुझे कि आपके नंबर से कोई मुझे मैसेज कर रहा है और मुझे गलत मैसेज कर रहा है, तो फिर उसने अपनी पूरी स्नैपशॉट भेजी, मेरे से फ़ोन से भी बात की, तो मैं थैंक्स करता हूँ पहले तो उस लड़की का जिसने मेरी लाइफ को बर्बाद होने से बचाया। ये बंदे ने मतलब अभी उठा के लेके आए, कल पुलिस वाले तो बता रहे हैं कि 2000 से ऊपर पिक्चर है लड़कियों की, जो न्यूड पिक्चर है, इसने मंगवा के उनको ब्लैकमेल कर रहा था मेरे नाम पे। और लड़कियों के ऊपर मेरा क्या इंप्रेशन गया होगा आप समझ सकते हो, कि वो सोच रही होंगी कि मैं कैसा बंदा हूँ। तो वो लड़कियों, जितनी भी लड़कियां हैं, मतलब उनसे पहले तो मैं माफ़ी मांगता हूँ कि वो दर्शन ओलग मैं नहीं था जिनको आपने फोटो भेजी है, वो लड़का जो पकड़ा गया है वो है, साइबर क्राइम में है अभी, तो मैं सबसे इस बात की माफ़ी मांगता हूँ कि उसने मेरा नाम मिसयूज़ किया, और उस लड़की का थैंक्स करता हूँ जिसने उसके बारे में बताया, और आगे से जितने भी मॉडल्स हैं, जो भी लोग इस फील्ड में काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं, उनको एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि रातों रात स्टार बनने का सपना छोड़ें, और ऐसे मौके पे गूगल पे जाके असली बंदे को पहले परखें, फिर मेरा फेसबुक अकाउंट है उस पर मेरे से पूछें आपका अकाउंट ओरिजिनल है, हर चीज़ पूछनी चाहिए, फिर फोटो भेजनी चाहिए, व्हाट्सएप पे तो फोटो भेजनी नहीं चाहिए। पैसों की मांग की जाती है? हाँ, पैसे मांगता था जी लड़कियों से, उनको उनकी फोटो लेके फिर उनको बाद में बोलता था गूगल पे आपका मैं अपलोड कर दूंगा फोटो, इतने पैसे भेजो, तो वो लड़कियां इसके चुगल में फंसी हुई थी। तो थैंक्स टू मीडिया, थैंक्स टू गॉड एंड चंडीगढ़ पुलिस, IG साहब, SSP साहब एंड मिस्टर सेखो इंस्पेक्टर हैं, जो उषा मैडम है इनके, इसको बरनाला से पकड़ा है जी, इसका साथ में गांव है, तो वहां से पकड़ के लेके आई इसको साइबर क्राइम। फैमिली इसके फादर बेचारे पुलिस में है, एक नेक इंसान है, इससे बहुत ज्यादा दुखी है। कब से कर रहे थे आप ये? सिर्फ सर मुझे आगे दिखाने कोई लड़की सप्लाई करी थोड़ा सा पीछे करना सर। कब से कर रहे थे वैसे? 2-4 दिन हो गए थे सर। आईडी कब बनाई थी? आईडी कब बनाई थी? आईडी सर 5 मिनट में बनाई थी और सिर्फ 2-2 घंटे शाम को मैंने यूज की। 3,000 फोटो में कैसे आ गई उसमें मोबाइल में? 2-3 दिन में 3-3 फोटो कैसे आ गए? वो जो फोटोज है वो इनकी आईडी से नहीं, इनको एक्सटॉर्शन ब्लैकमेल भी करते थे पैसे पूसे मांगते?
लड़कियों ने खुद कंप्लेंट में बोला इस बात का? सर लड़कियां जो मर्जी बोले, लेकिन मैंने कुछ नहीं ऐसा किया, ना किसी से आज तक नाजायज पैसा लिया और ना ही लूंगा और ना कोई ऐसी मेरी हुआ है। नहीं, बोल्ड फोटो में से मंगवाते थे व्हाट्सएप पे दर्शन अलग का नाम लेके? नहीं सर, मेरी बात सुनो, अभी मैंने दो लड़कियों से चैट की थी, तीन से उसकी आईडी से, ठीक है, और उसके बाद मैंने जब उन्होंने रिस्पांस नहीं दिया तो मैंने वो बंद कर दी।